हेलो, आज मैं बात करूंगा उन फ्रॉड कॉल्स की जो ऑफलाइन टाइपिंग के लिए बहुत मोटा अमाउंट देते हैं। मुझे बहुत बार इस तरह की कॉल्स आ चुकी हैं। आज भी मुझे कॉल आई, उस कॉल में मुझे बोला गया कि महीने के लिए वो मुझे 4,000 फॉर्म्स देंगे और हर फॉर्म को भरने के लिए मुझे 30 रुपये मिलेंगे। तो पूरे महीने का कितना हो गया? 1,20,000। हिंदुस्तान में 1,20,000 रुपये में तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं। अब ये जो फ्रॉड कॉल्स होती है, हर आदमी को एक लालच होता है, वो इसकी सच्चाई को समझते बूझते हुए भी उसको अनदेखा कर देता है। और ये जो मोटा अमाउंट होता है 1,20,000 या 2,00,000 या इस तरीके से जो लालच दिया जाता है, इसमें फंस जाते हैं। और एक बार वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर मोटा अमाउंट लिया जाता है, फॉर्म्स भरते हैं और अल्टीमेटली उनको कुछ भी नहीं मिलता। इनकी सच्चाई जानने के लिए थोड़ा सा इन पॉइंट्स को ध्यान दें। पहली बात तो ये है कि फॉर्म आप लोग भर रहे हैं, आपको काम दिया जा रहा है, तो एडवांस तो आपको मिलना चाहिए। आप किस लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे? तो आपको चाहिए कि अगर कोई आपको काम दे रहा है तो आप एडवांस मांगे, डिपॉजिट नहीं दें उसको। अब इस चीज को देखिए कि जब आपको टाइपिंग के काम का ऑफर दिया जाता है तो इतना मोटा अमाउंट है, तो बहुत प्रोफेशनल टाइपिस्ट है जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। आपसे ये तक नहीं पूछा जाता कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, आपने जिंदगी में कभी टाइपिंग की है या नहीं, सीधा आपको काम पकड़ा दिया जाता है, क्योंकि उनको मतलब होता है आपके डिपॉजिट से, आपके रजिस्ट्रेशन अमाउंट से। उसके बाद आपके पास फॉर्म आते रहेंगे और आपको कभी 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो जब इन लोगों ये लोग इतना मोटा अमाउंट दे रहे हैं और इतने प्रोफेशनल टाइपिस्ट हैं, तो ये उन टाइपिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर उन लोगों से कांटेक्ट क्यों नहीं करते और उनको काम क्यों नहीं देते, उनको लैपटॉप क्यों नहीं देते या अपने यहां बुलाकर काम क्यों नहीं कराते? ये लोगों को कॉलर्स को बिठाने की क्या जरूरत है, उनको तनख्वाह देने की क्या जरूरत है आपको कॉल करने के लिए? इस बात को समझिए। तो आज जब मुझे कॉल आया, मैंने एक सिंपल सा उनको बोला कि, मैंने कहा ठीक है, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी है आपकी, तो आप एक आदमी को 1,20,000 ऑफर कर रहे हैं, तो कम से कम 100 लोग तो होंगे जिनसे आप काम कराते हैं, तो पूरे महीने का आप 1,20,00,000 लोगों को पे करते हैं, तो सारी पेमेंट बैंक से जाती होगी, तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट भेज दो जिसमें आपने इतनी मोटी मोटी पेमेंट्स करी है पूरे साल का, 15-20 करोड़ रुपए। ये तो मैं छोटा सा अमाउंट बता रहा हूँ, 100 लोग तो ये कोशिश करते हैं एक ही दिन में अपॉइंट करने की। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो आप पर्सनली आ जाओ। तो बेसिकली इन लोगों को ना तो किसी चीज का डर है ना शर्म है। अगर कोई आदमी इनके फ्रॉड को समझ भी रहा है तो भी ये लोग उनको और फ्रस्ट्रेट करने के लिए वहां पर बुला लेंगे। अब बात आती है कि पुलिस और गवर्नमेंट क्या कर रही है। पूरे देश का विकास हो रहा है, सभी चीजों का विकास हो रहा है, ये एक जो फ्रॉड है दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और हर आदमी जिसने क्वालिफाई कर लिया, मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी और उसके बाद इस चक्करों में फंस गए। एक आदमी जिसने पढ़ाई लिखाई में 18 से 20 साल लगा दिए, उसके बाद वो इस तरीके के फ्रॉड्स में फंसता है और उसको कोई 15-20 दिन जो लेबर गया उसको, वो तो गया, उसके बाद पैसा गया, जो उसको एक एक्स्ट्रा फ्रस्ट्रेशन होती है कि इतना पढ़ लिख गए और टाइपिंग के जॉब के लिए भी हाँ कर दिया और उसमें भी फ्रॉड में फंस गए। तो ये हम कैसी सोसाइटी बना रहे हैं? क्या गवर्नमेंट को, क्या पुलिस को इसमें कुछ नहीं करना चाहिए? लास्ट टाइम इस तरह की कॉल मेरी बेटी को आई। मैं इस तरीके के जो कॉलर्स है उनको पिछले 30 साल से जानता हूं कि ये सब फ्रॉड होता है, इसमें कोई पैसा नहीं मिलता। परंतु क्योंकि कॉलर जो था वो हमारे घर के बहुत पास था, तो मेरी बेटी ने इंसिस्ट किया कि लेट अस एक्सपीरियंस इट, पर्सनली जाकर देखते हैं क्या होता है। हम वहां गए, उनको क्वेश्चंस पुट अप किए और वो उनका आंसर नहीं दे पाए। उनके पास कोई बैलेंस शीट नहीं है, कोई इतना मोटा मोटा अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं लोगों को, हजारों लोगों का वो क्लेम करते हैं कि हजारों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो हजारों लोग का मतलब 100 करोड़ की टर्नओवर होगी, 100 करोड़ की टर्नओवर ऑडिट भी होना चाहिए, बैलेंस शीट भी होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न भी होना चाहिए, बैंक अकाउंट्स भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए।
तो अगर वो हमसे काम करा रहे हैं और जनरली हमें पे करना चाहते हैं तो उनको ये सब डिटेल देने में क्या दिक्कत है? तो लास्ट टाइम जब मैं डॉक्टर के साथ गया तो वहां पर और भी लोग चक्कर काट रहे थे, जिन लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट कर दी थी, जॉब नहीं मिलने की फ्रस्ट्रेशन अलग है और इससे के फ्रॉड्स के फ्रस्ट्रेशन अलग है। गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है, जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ती है वो प्रॉमिस करती है इतने जॉब्स क्रिएट करेंगे, इतना जॉब्स देंगे। अरे जॉब्स को तो छोड़ो यार, ये तो हमारी काबिलियत के ऊपर है। अगर हम जबरदस्ती उस सिस्टम में फंसे हुए हैं तो कम से कम इस तरह की फ्रॉड करके हमें फर्दर हमारा मजाक तो ना बने। जिसको भी ये वीडियो मिल रहा है, मैं इस वीडियो के आखिर में जो आज मेरी कॉल जहाँ से कॉल आई थी उसका रिकॉर्डिंग साथ में लगा रहा हूँ इस वीडियो के बाद में, आप उसको सुनिए, समझिए कि ये फ्रॉड्स क्या है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आप कोशिश करो कि कोई और यंग आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इसमें नहीं फंसे। इस लालच से बाहर आइए। इसी लालच के यूज करके लोग आपको क्योर के नाम पर ठगते हैं, बहुत सी चीजों के नाम पर ठगते हैं। और सच मानिए कि जो भी आदमी आपको इस तरीके से आउट ऑफ द ब्लू बोलता है, चाहे वो नेचुरल जड़ी बूटियों से आपका इलाज कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, आप थोड़ा सोचिए कि वो 5,000, 10,000, 20,000 रुपये मांग रहे हैं, उसका खर्चा क्या है? जड़ी बूटी है, जंगल से उठा के लेकर आ रहे हैं, मार्केट में थोड़ी बिकती है ये सब चीजें। आपको कोई भी फूल पत्ता पकड़ा देता है जिसकी वैल्यू 50 पैसे नहीं होती और 10,000 रुपये ले लेते हैं। थोड़ा सा शांति रखिए, लोगों से बातचीत करिए, समझिए इन फ्रॉड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करिए और लोगों को और फ्रस्ट्रेट होने से बचाइए इन सब चीज़ों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर, मैं दान नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड नोएडा यूपीसी में साइबर कैफे से बात हो रही है मेरी। हाँ जी सर, आपका साइबर कैफे, हाँ जी सर, आपका साइबर कैफे अभी ऑन होगा या ऑफ? ऑन होगा सर। कितने सिस्टम होंगे सर? 4-5 ही है, ज्यादा नहीं है। कितने सिस्टम? 4-5 होंगे, ज्यादा नहीं है। क्यों, क्या करना है सर? हमारी कंपनी कुछ प्रोजेक्ट प्रोवाइड करा रही है सर बिजनेस के लिए। हाँ। फॉर्म फिलिंग वर्क है सर, डाटा एंट्री का ऑफलाइन फॉर्म फिलिंग फिल करने होते हैं सर इसमें। हाँ जी, KYC, टेलीकॉम एंड मेडिकल इंश्योरेंस सर। KYC में 4,000 फॉर्म आपको पर मंथ दिए जाएंगे। हेलो सर, एक फॉर्म के लिए आपको 30 रुपीज दिया जाएगा भरने के लिए फॉर्म। कब दिया जाएगा सर? एक महीने में जितने आप फॉर्म फिल करके देते हैं उसके हिसाब से सर। और अगर नहीं मिले तो सर? मिलेंगे क्यों नहीं, जब आप हमें फॉर्म मतलब काम करके दोगे तो आपको पेमेंट तो मिलेगी। आप अपनी कंपनी का प्रोफाइल होगा ना, आपकी कंपनी होगी और लोगों को भी पेमेंट करी होगी जहाँ पर हम देख सकते हैं? जी सर, होती है, मतलब एग्रीमेंट होता है सर, फेस टू फेस एग्रीमेंट तो मैं भी बना दूंगा, नोटरी भी मैं करवा दूंगा। आपके पास कोई और लोग भी तो होंगे ना जिनको आप पेमेंट करते हैं? आप अपना बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भेजो। बैंक स्टेटमेंट? हाँ, आप लोगों को पेमेंट करते हो या पहला आदमी हूँ मैं जिसको कॉन्टेक्ट? जी सर, नो सर, बहुत मतलब हमारे पास बहुत सारे कस्टमर हैं सर, दूर दूर से आते हैं सर। तो दूर दूर से आते हैं तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगा ना जिनको आप पेमेंट करते हो हर महीने? जी सर होगा, वो तो कंपनी के पास। आपके पास नहीं है सर? आपको सर से बात करनी होगी ना, वो बताएंगे सर। मैं तो वहाँ से मतलब एम्प्लॉई हूँ एज अ। ऐसी बहुत सी फ्रॉड कॉल्स आती हैं तो इससे हमें ये देखना पड़ेगा कि आपके बैंक स्टेटमेंट में क्या आ रहा है। सर मैं जानती हूँ सर, मुझे पता है सर। मैं तो अगर आपका जेन्युइन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 4,000 फॉर्म्स कर देंगे। आप बस इसका अरेंजमेंट करिए, जो बैंक स्टेटमेंट है उसको दे दीजिए। जी सर, इसमें सर कुछ सिक्योरिटी पेमेंट भी पे करनी होती है तो दे देना, हम पेमेंट लेने से थोड़ी मना कर रहे हैं। जी सर, मैं मतलब अपनी जीमेल आईडी बता दीजिए सर, मैं आपको सारी प्रोजेक्ट की डिटेल आपको मतलब जीमेल। मुझे प्रोजेक्ट की डिटेल सर नहीं, मुझे पहले बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट सर? हाँ, आप सर से बात कर लो। सर से बात कर लूँ? हेलो हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आपकी कंपनी है ना तो आप पेमेंट करते होंगे लोगों को बहुत सारी हर महीने? जी सर। बैंक से ही करते होंगे, कैश तो नहीं करते होंगे? जी बैंक से करते हैं ना। यस सर, तो बैंक स्टेटमेंट भेज दो। ओके सर, अभी मैं आपको 2 मिनट कॉल करता हूँ, ठीक है सर? इसलिए सर अभी मैं आपको बता देता हूँ। क्या? नहीं बताना नहीं है आपको, बैंक स्टेटमेंट भेजना है। ठीक है सर। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर,
हेलो हाँ जी सर बताइए क्या आपको मतलब क्या वो था मतलब क्वारी क्या थी आपकी? मुश्किल लग रहा था बहुत ज्यादा समझने में। मैंने कहा आप लोग इतनी बड़ी कंपनी है करोड़ों रुपए की आप हर महीने पेमेंट करते हो तो बैंक स्टेटमेंट होगा बैंक अकाउंट तो होगा ना सर। आमने सामने आके विजिट कर सकते हो तो सर आमने सामने का भी अच्छा। तुम आ जाओ भैया मैंने तेरे को रोका है क्या? आ जाओ तू यहाँ पर। क्या लोकेशन है आपके वैसे? विकासपुरी है। विकासपुर दिल्ली है? हाँ दिल्ली। कब आएगा सर? हम तो विजिट नहीं कर सके। आप चाहे क्यों कहते हैं टांग में लगवा मारा हुआ है क्या? हेलो हाँ बोल जी सर बताइए। अरे तू बोलना यार तेरे को बैंक स्टेटमेंट में देने में क्या तकलीफ है? सर बिना विजिट करे हम कैसे आपको बैंक स्टेटमेंट दे? आप पहले विजिट करिए उसके बाद लीजिए ना बैंक स्टेटमेंट। तू बेवकूफ है क्या? तेरी औकात क्या है? कुत्ते जैसी औकात है। तू बकवास कर रहा है विजिट करो तेरे को विजिट करे क्यों सर? गालियां खा रहा है बिना बात के। हाँ वहाँ पर ले रहे हैं वर्क नहीं दे रहे क्या आपको? काम एग्रीमेंट ही देंगे हम क्या? क्या अपनी ईमेल आईडी बताइए उसको भेजता हूँ मैं। चलो अरे व्हाट्सएप कर दे। व्हाट्सएप करना आता है तेरे को? नहीं नहीं व्हाट्सएप पे नहीं भेजते हम, ईमेल टू ईमेल भेजते हैं। हम तो व्हाट्सएप पर ही मंगाते हैं। नहीं नहीं व्हाट्सएप पे नहीं देते। पहाड़ में जा फिर तुम भी जाओ तो फिर